आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल के पार्ट वन में। पार्ट वन में हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड, मतलब एक्सेल को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। हालांकि टॉपिक आपको छोटी सी लगेगी, लेकिन इसके अंदर घुसेंगे और इसकी यूजेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें अच्छा खासा स्कोप है। तो सबसे पहले जाएंगे प्रोटेक्शन होता है क्या, मतलब कि आपकी जो डेटा है आपके नॉलेज के बगैर ना कोई देख सके, ना कोई एडिट कर सके, ना कोई कॉपी कर सके। जैसे घर में आप ताला मारते हैं, बाइक में ताला मारते हैं, अपने गाड़ी को लॉक करते हो, सेम टाइप है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सामने सीट पे कुछ डेटा रखा हुआ है, कोई भी इसको चेंज ना कर सके, कोई भी आके इसको चेंज ना कर सके। तो क्या करें इसके लिए, कुछ नहीं, सीट वन पे जाएं, मूव एंड कॉपी पे जाएं, माफ कीजिएगा, मूव एंड कॉपी लिंक कर दिया, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में यहां पे पासवर्ड डाल दें, पासवर्ड को कंफर्म करें। अब पासवर्ड कंफर्म करने से पहले यहां माइक्रोसॉफ्ट कुछ बोल रहा है, देख लीजिए। Microsoft बोल रहा है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर, तो पासवर्ड रिकवर नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि पासवर्ड रिकवर नहीं होगा, पासवर्ड रिकवर हो सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पासवर्ड को इजीली ब्रेक कर देता है। तो पासवर्ड के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आपने पासवर्ड डाल दिया तो 100% श्योर है, 100% श्योर तो सर बैंक का पासवर्ड है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड को तोड़ देता है, कर सकती है, वो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपने पासवर्ड डाल दिया तो आप अगर पासवर्ड भूल गए तो आपको भी पासवर्ड जो ब्रेकर होते हैं सॉफ्टवेयर उन्हीं की मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको पासवर्ड रिकवर करके नहीं देगा। सो इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं कि हमने पासवर्ड डाल दिया तो कोई भी मैं इस डेटा को चेंज नहीं कर सकता, बस वो देख सकता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी पर्सन इस डेटा को कॉपी भी ना कर सके, क्योंकि मैंने राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट कर दिया, तो कोई भी इसको पासवर्ड के बगैर चेंज तो नहीं कर सकता, बट बिना पासवर्ड के कॉपी भी कर सकता है। तो ऐसे कैसे किया जाए ताकि पासवर्ड के बगैर कोई कॉपी भी ना कर सके। तो एक बार मैं अनप्रोटेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट, और यहां पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूं। लेकिन पासवर्ड डालने से पहले आप यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अलाउ ऑल यूजर्स फॉर दिस वर्कशीट। मतलब कि ये जो चेकबॉक्स आपको दिख रहे हैं कि आफ्टर द प्रोटेक्शन क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहां पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, तो पासवर्ड डालने के बाद भी बंदा पासवर्ड डालने के बाद ही बंदा इसमें फॉर्मेटिंग कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है पर फॉर्मेटिंग कर सकता है। तो ये अलाउंस होते हैं कि आफ्टर द पासवर्ड आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट जो होता है इसमें सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल, क्योंकि एक्सेल में कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि आप पासवर्ड को रिमूव कर सकें, पासवर्ड रिमूव करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास यहां सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल दो ऑप्शंस हैं। मतलब कि मैंने इसको हटा दिया, इसका मतलब कि मैंने डेटा को सिलेक्ट करने वाला पार्ट डिसेबल कर दिया कि पासवर्ड डालने के बाद कोई सिलेक्ट भी नहीं कर सकता है। और जाहिर सी बात है अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो कॉपी भी नहीं, होगा क्या जी सर? ओके कीजिए। अब देखिए मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर पा रहा, ठीक है बहन जी? अब अगला ऑप्शन आता है कि एक मेरा एक कलर्ड एरिया जो आप देख रहे हैं, एक कलर्ड एरिया, ठीक है, अब इस कलर्ड एरिया में मैं चाहता हूं कि हम मैं टाइप कर सकूं, मैं इसको प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहता हूं, मैं इसको प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहता हूं। तो कैसे रखूंगा इसकी प्रोटेक्शन से बाहर,
इसको प्रोटेक्शन से बाहर करने का सिंपल सा उपाय है कि आपने जब प्रोटेक्ट किया था, इसमें सिग्नेचर दिया था सिलेक्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉग से, मतलब जो लॉग सेल है उसी पे पासवर्ड चल रहा है। लॉग सेल क्या होता है? तो राइट क्लिक करते हैं किसी सेल के ऊपर, फॉर्मेट पे जाते हैं, प्रोटेक्शन पे आते हैं, तो यहां है लॉक पे क्लिक। जिस सेल की लॉक पे क्लिक है इसका मतलब है कि वो लॉक्ड है, समझे सर? जी सर। अनचेक कर दूंगा तो अनलॉक है। तो मैंने क्या किया, इस कलर एरिया को लिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे क्लिक किए और यहां से लॉक्ड को हटा दिया, मतलब जो एक कलर एरिया है ये हमारा लॉक हो गया, सॉरी अनलॉक हो गया, बाकी रेस्ट ऑफ एरिया लॉक हो गया। तो लॉक बाय डिफॉल्ट होता है ना, लॉक का मतलब ऐसा नहीं कि पासवर्ड लग गया, मतलब कि वो लॉक को प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, अलायंस में आ गया वो। पासवर्ड डालेंगे ओपन करके, ओके करेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। अब इसमें मैं कहीं और तो टाइप नहीं कर सकते, बट यहां पे टाइप कर सकता हूं। आया समझ में जी? मैंग जी समझ में आया आपको? जी सर। चलिए अब इसी का उल्टा करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो रेड एरिया है ना इस पे पासवर्ड लगा रहे हैं, बाकी एरियो पे पासवर्ड ना लगा रहे। तो जो मैंने सीट टू पे किया है ना उसी का अपोजिट यहाँ पे करेंगे, मतलब हम पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट पूरी की पूरी सीट का जो प्रॉपर्टीज है प्रोटेक्शन वाली वो लॉक होती है बाय डिफॉल्ट। तो मैंने इसको अनलॉक कर दिया एंड ओके, अनलॉक हो गया। अब इसमें किसी भी तरह की चीजें टाइप किया जा सकती है पासवर्ड डालने के बाद, लेकिन मुझे रेड एरिया पे तो नहीं करना है। तो मैं वापस रेड एरिया को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, लॉक पे क्लिक कर दूंगा, देन ओके हो गया। राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट, और यहां पे मैंने पासवर्ड डाल के ओके कर दिया। तो अब यहां देखिए टाइप हो रहा है, बट यहां टाइप समझे सर? जी सर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है किसका बेनिफिट क्या है, क्या अब की श्री सत्यनारायण की कथा तो नहीं, ये कथा के बाद प्रसाद मिलेगा, आखिर इसका यूज क्या है? तो यूज इसका ये है, जैसे मैं टाइपिंग करता हूं, मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूं, जैसे नेम हो गया, क्वांटिटी, एमआरपी, यहां पे अमाउंट, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे कमीशन, टोटल, डेट, टाइम, जोन, ऐसे डेटा एंट्री है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो अमाउंट है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है, जीएसटी अमाउंट का 18% कमीशन, अमाउंट का 2% और इसका टोटल है। अब ये दो जो ये चार कॉलम जो दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला से है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है जी सर। तो मैं टाइपिंग करता हूं, मैं लिखता हूं पूजा, क्वांटिटी में 30, एमआरपी में 45, बाकी हो गया। मुझे यहां से आगे फिर यहां डेट पे जाना होता है और यहां टाइम पे आना पड़ता है, तब जाके जोन में यहां पे जो भी लिखना चाहता हूं, साउथ नॉर्थ जो भी लिखना चाहता हूं वो लिख सकता हूं।
तो मतलब कि हर बार मुझे 4 सेकेंड वेस्ट करना होता हर एंट्री पे। दूसरा, मेरा फॉर्मूला हर कोई देख रहा है, हर कोई पता कर पा रहा है कि कितना परसेंट किसको दे रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर इस पे जाए नहीं, मैं जब यहां से करूं तो सीधे कर्सर यहां से जंप करके यहां पे आ जाए। इसके केस में मैं इसी चीज को यूज करूंगा जो मैंने यहां बताया। मैं पूरे सीट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, यहां पे जो लॉक्ड है ना इसको यहां से अनचेक कर दूंगा। मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद हर कोई इस पे काम कर सकता है। अब वापस मैं अमाउंट, जीएसटी, कमीशन, टोटल वाले कॉलम को फॉर्मेट सेल में जाके लॉक्ड कर देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे पासवर्ड डालता हूं। लेकिन पासवर्ड डालते समय यहां पे दिख रहा होगा सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल। तो इसमें लॉक सेल तो पूरी सीट है, अनलॉक सेल कौन सा है? डी ई एफ जी। हमने यहां पे अनचेक कर दिया, तब क्या होगा कि डी ई एफ जी पे मेरा कर्सर नहीं जाएगा। पासवर्ड डाला, पासवर्ड कन्फर्म किया एंड ओके। हमें पासवर्ड नहीं डाला, एक मिनट, हमने गलती कर दी क्या? सिलेक्ट लॉक से लगना, अनलॉक को से हटाना। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं ओम 3070। एंटर मारते देखिए अपने आप कैलकुलेट हो गया और मेरा कर्सर देख रहा है एक बार में जंप कर रहा है जी। किसी को पता चल रहा है कि कहां पे कर्सर है मेरा? ठीक है, समझ गए जी सर। तो हो गया सर, मैं कर्सर नहीं जाएगा, हर बार एंट्री बच गई। मतलब कि अगर इसको एक अलग तरीके से समझाऊं मैं, मान लो कोई फॉर्म आप बना रहे हो, यहां पे नेम है, यहां पे सिटी है, यहां पे अमाउंट है, अमाउंट है। मैं राइट क्लिक करता हूं प्रोटेक्ट शीट। अब इसमें पासवर्ड डालने से पहले मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसको लॉक को अनचेक कर देता हूं। लॉक अनचेक हो गया, देन अब मैं राइट क्लिक करूंगा इसके प्रोटेक्ट शीट पे और यहां से अनलॉक सेल जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको हटा दूंगा। एंड ओके करता हूं हॉस्पिटल के। अब मैं कर्सर मारूंगा तो कर्सर देखे यहां पे आ रहा है, बीच में कहीं नहीं जा रहा है। मैं पूजा किया तो एंटर मारते ही यहां पे आ रहा है। तो ठीक है सर, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब कभी कभी क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो डेटा है, मेरी जो सीट है वो यहां पे, मान लीजिए दो अलग अलग डेटा एरिया है, हम दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, ये मिस्टर ए का है और ये मिस्टर बी का है। ठीक है, अब मिस्टर ए का जो एरिया है वो मिस्टर बी के एरिया को छेड़छाड़ ना करे, मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को नहीं छेड़छाड़ करे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, जाएंगे रिव्यू में और यहां होता है आपके पास अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और चले गए अलाउ एडिट रेंज न्यू, और यहां नाम देना चाहे तो ये दे सकते हैं, पासवर्ड में मैंने दे दिया, पासवर्ड को कंफर्म किया, देन ओके। वापस न्यू पे क्लिक किया, यहां पे बी लिख देता हूं नेम ताकि पता रहे, रेंज वापस बी का सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे मिस्टर बी का डिफरेंट पासवर्ड डाल देता हूं, पासवर्ड कंफर्म करते हैं एंड ओके। लेकिन ध्यान रखिएगा पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, अप्लाई कीजिए देन ओके। अब यहां पे एक चीज और भी है कि ये जो दोनों मेरा हुआ है अप्लाई हुआ है, हमने कर दिया प्रोटेक्शन, अब इसमें ऐसा नहीं कि पासवर्ड अप्लाई हो गया, ये वर्क तभी करेगा जब हम प्रोटेक्ट करेंगे सीट को, तो प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया एंड हम यहां ओके कर देते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओके कर देते हैं। अब यहां पे मैं कुछ टाइप करना चाहूं तो टाइप नहीं कर सकता हूं, बट यहां पे कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले पासवर्ड देना होगा। यहां मैंने मिस्टर बी का पासवर्ड दे के ओके कर दिया, अब मैं यहां पे टाइप कर सकता हूं, कब तक, जब तक फाइल को मैं रीओपन नहीं करता, रीओपन करूंगा अगेन पासवर्ड पूछेगा, और यहां जो है मिस्टर ए का पासवर्ड है, यहां भी अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो मिस्टर ए का पासवर्ड होगा। अब मैं मान लीजिए मिस्टर बी का पासवर्ड डाल दिया तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो यहां पे जब तक मैं पासवर्ड ना डालूंगा तब तक वर्क नहीं करने देगा, और इन दोनों के अलावा इस पे वर्क करना है तो मुझे सीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब सीट अनप्रोटेक्ट करेंगे तो पूरा प्रोटेक्शन अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर जी, क्लियर है जी सर। अब बात आती है कि मैं अभी जो प्रोटेक्शन किया वो सीट के अंदर का प्रोटेक्शन है, सीट हमारा प्रोटेक्ट नहीं है, हम सीट को राइट क्लिक करके सीधे डिलीट कर सकते हैं, हो गया डिलीट सर जी। सीट कैसे डिलीट होगा, अच्छा सीट कैसे प्रोटेक्ट होगा, तो इसी में देखिए यहाँ पे वर्कबुक प्रोटेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है ना, प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब इस प्रोटेक्ट वर्कबुक में हम जाते हैं तो यहां पासवर्ड डालना होगा, अब स्ट्रक्चर हो रहा है ठीक है, अब यहां पे ओके कर दिया पासवर्ड डाल के, अब मैं कोई भी सीट ना डिलीट कर सकता हूं, ना इंसर्ट कर सकता हूं, ना हाइड कर सकता हूं, ना अनहाइड कर सकता हूं, तो सीट का स्ट्रक्चर जो है लॉक हो गया, लेकिन ये फाइल अभी भी खुलेगी, कोई भी इस फाइल को अभी भी ओपन कर सकता है, ठीक है सर। तो इसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए क्या करें कि फाइल भी ओपन ना कर सके, तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला, अगर फाइल आपका सेव नहीं है, फर्स्ट टाइम सेव कर रहा है, तो सेव एज करते समय जहां फाइल का नाम वगैरह देते हैं उसी में नीचे चाहे ऊपर में, अब नीचे होगा या ऊपर होगा डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, बट विंडो 10 11 में तो आपको ऊपर ही है, नीचे ही टूल्स, तो टूल्स में यहां दिखेगा आपको जनरल ऑप्शन, इस जनरल ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पासवर्ड टू ओपन दिख रहा होगा, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, तो दो अलग अलग पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं, जी हाँ दो अलग अलग पासवर्ड आप इसमें डाल सकते हैं। तो पासवर्ड टू ओपन करते होगे, पासवर्ड मॉडिफाई कर दोगे, तो आपका पासवर्ड टू मॉडिफाई अगर भूल जाते हो तो रीड ओनली में ओपन कर सकते हैं। ठीक है सर,
प्रॉब्लम क्या होता है ना कि फाइल को जब सेव एज कर देते हैं तो दिक्कत ही क्या होती है, दिक्कत इसमें होती है कि आपका जो इससे जो फाइल लिंक होगा ना सर, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, अलग अलग नाम बन जाता है, अलग लोकेशन पे डालना पड़ जाता है। तो आप चाहते हो कि मेरा पुराना फाइल या पासवर्ड लगाना है लेकिन फाइल को सेव एज नहीं करना चाहता हूं, तो इन्फो के अंदर आते हैं, इसी में आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक में आपको दिखेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड क्लिक कीजिए। अब यहां पे अपना पासवर्ड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड लगा देगा। क्लियर है सर, जी सर, डाउट इसमें? तो जी बैंक चीज ये पता थी पहले से चीजें या नई चीज सीखा आपने इसमें? नहीं सर, नहीं चीज़ तो यूज़ करते हैं, जी नहीं नहीं मैंने, आपने कुछ सीखा मतलब कि नहीं सीखा इसमें? नहीं सर, बिल्कुल सही सीखा ना। अब इसमें कुछ चीजें और भी है, जैसे मान लीजिए डेटा इसी को भेजना है, राइट? तो हम प्रोटेक्ट करके भेजना चाहते हैं, कोई चेंज ना कर सके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रोटेक्ट कर देने के बाद कोई फिल्टर भी नहीं लगा पाता है। हाँ, फिल्टर नहीं लगा पाता है, इसको शॉर्ट नहीं कर पाता है, दिख रहा है सर? फाइन वगैरह कर सकता है लेकिन नहीं कर पाता, चाहते हैं कि फिल्टर करे, शॉर्ट करे। तो आप पासवर्ड डालने से पहले, जो आप पासवर्ड डाल रहे उससे पहले प्रोटेक्ट शीट में आ जाए और यहाँ देखिए शॉर्ट दिख रहा है, शॉर्ट पे क्लिक कर दे, यूज ऑटो फिल्टर, पिवट करना चाहता है पिवट कर ले, फिलहाल मैं ऑटो फिल्टर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या इसमें पिवट फिल्टर लगेगी? नहीं लग रहा है फिल्टर, नहीं लग रहा ना सर? तो ये चीज इसलिए बताया कि इसमें लोग दिक्कत करते, कि आप फिल्टर लगा के देन इसके ऊपर लॉक करें। अब क्या होगा कि कोई भी इसको अब फिल्टर इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, जी सर, क्लियर सर? जी सर, और सॉर्टिंग भी कर सकता है, पहली। दूसरी, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या है ना कि आगे चल के आप वीवीओ का यूज करेंगे तो बटन्स वगैरह बनाएंगे, जैसे मैंने ये बटन ले लिया और ये बटन बनाया, ठीक है। अब इस बटन पे, इस बटन के ऊपर वर्क कैसे होगा भाई, या बटन के ऊपर कुछ करना है, या फिर मान लीजिए कोई पिक्चर वगैरह ही है, कोई चार्ट वगैरह ही है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पे करूं क्या, तो उसके लिए क्या होता है, पासवर्ड डालते समय प्रोटेक्ट शीट में यहां आपको दिखता है एडिट ऑब्जेक्ट, दिख रहा है आपको सर? जो बटन्स वगैरह है या कोई पिक्चर्स है, ग्राफिक्स है, उस पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है सर? क्लियर सर? जी सर, ये हमारा प्रोटेक्शन मेथड था, जिसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से बैठ के कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ, इसमें एक चीज और भी आती है, यहाँ डेट रिव्यू में आप आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा अनशेयर वर्कबुक, दिख रहा है सर? ये शेयर्ड है, तो इसमें कुछ चीजें नहीं है, इसमें एक्सेल ऑप्शन के अंदर आपको कुछ चीजें मिलेगी, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन और यहाँ ऑल कमांड कर दीजिए। यहाँ पे मैं प्रोटेक्ट पे आता हूं, नहीं दिख रहा है सर आपको? प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहां पे दिख रहा होगा आपको प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक, जी नहीं वही है प्रोटेक्ट वर्कबुक है, इसमें देखिए यहां दिख रहा है प्रोटेक्ट शेयरिंग एजेंसी, दिख रहा है सर आपको? अगर मैं इसको ऐड करता हूं, मैं यहां एक काम करता हूं, मैं ये जो
प्रूफिंग ए लाइट लैंग्वेज में नोट्स प्रोटेक्ट, इसके अंदर ऐड ऐड करता हूं उसको, नहीं क्योंकि ग्रुप बनाना पड़ेगा, न्यू ग्रुप इसके अंदर डाल देता हूँ, देन ओके हिलाना पड़ता है। अब इसमें क्या होगा कि जो शेयरिंग है ना सर वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब इसे यूज करना पता है आपको सर जी, ऑफिस में क्या होता था कि एक ही फाइल के ऊपर 5-7 लोग काम करते थे। जैसे मान लीजिए एक फाइल है तो मैं दिल्ली का कर रहा हूँ, कोई मुंबई का कर रहा है, कुछ कुछ पुणे कर रहा है, कॉलिंग वगैरह होती थी, डेटा एंट्री होता था, तो एक ही फाइल पे हम लोग करते थे। तो उसमें होता क्या था कि अब मान लीजिए कि मैंने आपको शेयर किया, आपने किसी और को शेयर कर दिया, समझे, तो यहां भी प्रॉब्लम होती थी कि बिना पासवर्ड का शेयर ही ना हो, बात समझे जी। कि मैंने 5 लोगों को असाइन किया है, जैसे होता क्या था कि मैंने आपको इससे दे दिया, आपको काम दे दिया करने के लिए, मैंने 5 लोगों को काम दे दिया करने के लिए और करके मैं दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे जगह पे चला गया। अब उन 5 लोगों ने क्या किया कि अपने तो उनके जो आसपास के लोग थे उनको यार मेरी मदद कर दे, उसने अपने 5 को और शेयर कर दिया, टोटल 10 लोगों ने इस पे काम किया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने तो 5 को शेयर किया था, अब कोई गलती कर दिया तो फिर 10 लोगों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था ना सर। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकता हूँ ताकि मेरे फाइल को कोई और लोगों को शेयर ना कर सके, ठीक है। तो यहां से आता है प्रोटेक्ट एंड शेयरिंग, प्रोटेक्ट शेयर वर्क को यहाँ डाल देंगे तो शेयर जो दिख रहा है अनशेयर, शेयर फाइल है अनशेयर नहीं होगा। तो शेयर तो जैसे मान लो मैं तो वेब मैंने आपने इसका पासवर्ड रखा तो मैं तो किसी से भी शेयर करके पासवर्ड बता सकता हूँ, नहीं समझे, ये ओपनिंग पासवर्ड नहीं है, ओपनिंग पासवर्ड आपको बताना ही पड़ेगा, ये शेयर पासवर्ड है कि शेयर करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, ओपन करने के लिए नहीं। तो शेयर कैसे करेगा, मेल पे करेगा ना? नहीं नहीं वो अलग चीज हो गया, मेल की बात अलग हुई, तो फाइल कॉपी भेज दिया आपने, शेयर थोड़ी किया तो कॉपी करके भेजा आपने। शेयर के मतलब हुआ कि एट ए टाइम एक फाइल पे कई सारे लोग अलग अलग कंप्यूटर से काम कर रहा है लैन के थ्रू। ओके, आपकी फाइल पड़ी हुई है एक स्टीम ड्राइव में और स्टीम ड्राइव को 10 लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि 10 लोग फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये फाइल अगर PC1 पे ओपन है तो PC2 पे तो रीड ओनली दिखाएगा ना सर जी, तो PC2 भी एडिट मोड में खुले इसके लिए मुझे फाइल को शेयर करना होता है, ठीक है। चलो ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए सर, ठीक है जी सर, कल की क्लास में हम आपको इससे आगे बताएंगे।